क्योंकि मैंने जिप्सी के उत्ते सट लिया सी पुठा, तो फिर मैं उतों इन्हों तो छड्ड के लंगर वाल भज्या वहाँ, तो लंगर वाले भी फिर इन्होंने मेरे पिछे पीछा किया। फिर उत्थे एक बजुर्ग माता सी, उन्होंने मैनू फड़िया आ, तो उस तो बाद लत्तां ते भी उत्थे सट के या मारते रहे ने इस तरह। ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੁੱਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੱਜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੰਡ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੱਜਾਂ ਮਾਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁੱਜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭੱਜ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ? ਬਸ ਸਟਾਰ ਵਧਾਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ DSP ਬਣ ਜਾ ਜਾਂ ਮੈਂ SSP ਬਣ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। डंडा वजन तो बाद अख गई है, डंडा वजन तो बाद अख गई है। बस इदा लगता है कि कोई आके वाइट बैठा है, वाइट नज़र आता, सिर्फ सफेद चिट्टे रंग की चीज़ कोई नज़र आती है, होर कुछ भी उस तो इलावा नज़र नहीं आता। लाशा किवें पईयां अखां दे उपर, मैं कैमरामैन नूं कहूँ क्लोज करके भी दिखा दिओ, ये लाशा किदां पईयां। उस डंडे दे ही वार सी ना, ये टांके भी लगे हुए ने। ये लाशा किवें पईयां गुरजंट? ये भी लाठीचार्ज जो डंडे वजे, ये लाशा पईयां मोढे ते। हाँ जी, ये जो डंडे मारे से नाम लै लैके, फिर माड़ी शब्दावली भैनों दियाँ गालां कढ़ रहे थे। ये जोड़ा जतिंदर खैरा हरजिंदर खैरा है, वही नाम लै रहा है गुरजंट जा रहा है, गुरजंट जा रहा है, मतलब कि भैनों दियाँ गालां कढ़ रहा, मावां दियाँ गालां कढ़ रहा। किस तरह तशद्दुद ढाया गया, गुरजंट सिंह की एक अख की रोशनी भी बहुत घट है, एक अख तो दिखना बंद होने वर्गी अख हुई है, कह रहे हैं गुरजंट सिंह। इतों हरियाणे का या दिल्ली का एक ही नारा सी, जे साडे कोल जमीना नहीं तो लेकिन साडे कोल जमीर जरूर हैगा आ। भी CRPF वाले ने या ब्लैक कमांडो ने जो भी वह पहुंचे ने, उन्होंने बैठे बजुर्गों के उत्ते लाठीचार्ज करना शुरू कर दिता। साडे वीर सन जो भरा सन बजुर्ग सन, वो बैठे थे हाथ जोड़ रहे हैं भी तुसीं सानू प्यार नाल बिठाया, क्योंकि साढ़े हाथ तो कोई शह भी नहीं सी, कोई खुदा वाली भी चीज़ विखा दो। जिथे इन्होंने हवाई फायर भी राउंड किए ने, किसानों दी गड्डियां भी तोड़ियां गईयां। अख दी नज़र बारे भी दस्यो, नक्क बारे भी दस्यो। ये अख दी जिहड़ी नज़र है वो बिल्कुल जी मैनू फिक्र तो नहीं हैगा कि मेरी नज़र आवे या ना आए, बहुत से लोग जाना गवा चुके हैं अपनिया, लेकिन आए या ना आए मैनू कोई फर्क, पर मेरी इस अख तो बिल्कुल भी 1% की ना मैं कुछ भी नज़र नहीं आता। असी भी चले जाए कोई फर्क नहीं, तो दुनियादारी आया आना जाना बनया, साढ़े तो बाद कोई होर आ जाएगा। बहुत वड्डियां करते हो, क्योंकि नहीं तो इतने तो बंदे का पुलिस ना वाह पै जाता, तो बंदे को चिंता हो जाती भी केस किदां निपटाने हैं। फिक्र नहीं होया, डर नहीं लग्या? नहीं जी बिल्कुल भी है, हुण भी 1% भी कोई नहीं हैगा। मैनू फिक्र नहीं हैगा कि मेरी अख की लाइट आए या ना आए, मैनू एक अख तो दिसदा आ, ठीक है जी, एक अख तो दिसदा आ, मैं फुल लड़ांगा। माता मेरी बड़ी दलेर आ, माता मेरे नाल आ, मेरे हमेशा फादर साहब है, भरा ने, कोई दिक्कत नहीं। खैरा का परिवार एक गल कहता है ना कि साडा जवान सीगा टकरा होया, जिन्होंने टकरा करना चीन के बार्डर ते चला जाए। हरियाणा पुलिस ने किसानों पर तशद्दद किया, लाठीचार्ज किया गया, एक किसान की शहादत भी हुई है। बहुत सारे किसानों को यह मलाल है कि अपने आप को किसानों का पुत कहने वाले पुलिस के जवानों ने साढ़े ते तशद्दद किया। गुरजंट सिंह एक किसान साढ़े नाल मौजूद है, जो कि बस्ताड़ा टोल प्लाजे ते सी। हालत तुसीं देख सकते हो, नक्क की हड्डी विंगी हो गई, अखां ते तुसीं देख सकते हो कि किस तरह तशद्दद ढाया गया। गुरजंट सिंह की एक अख की रोशनी भी बहुत घट है, एक अख तो दिखना बंद होने वर्गी अख हुई है, कह रहे हैं गुरजंट सिंह। सानू पहला डिस्कस किया तो दस रहे थे गुरजंट सिंह हुणां दे टी शर्ट पाई हुई है, शहीद आजम सरदार भगत सिंह हुणां दी तस्वीर है। और इत्थे भी तुसीं देखोगे, इत्थे भी धौण ते भी शहीद आजम सरदार भगत सिंह हुणां दी फोटो है, और टी शर्ट ते भी लिखिया लगदा फिर आउणा पऊ। भगत सिंह हुणां दे वारस ने और गुरजंट साडे नाल मौजूद ने, गलबात करदे हां। गुरजंट, किस तरह देखा जाए, होया की सी, पूरी घटना दस्यो, पहला ब्रीफ करो की होया सी उस दिन, लाठीचार्ज होया और की कुछ होया सी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि साडी आवाज़ नूं आप बुलंद कर रहे हो, किसानों के हक विच जो कि आवाज़ सरकारां तक पहुँचा रहे हो। किते ना किते सानूं तरह तरह के नाम दिते जांदे ने, लेकिन तुसीं सच्चाई दी राह ते चलदे हो। वाहिगुरू आप जी नूं चढ़दी कला च रखे। ये जी जो मामला होया है आपको पता ही है कि 10 महीना तो किसानी अंदोलन चल रहा है। किसानी अंदोलन चल रहा है शुरू तो किसानों के नाल सीगे, हमेशा नाल रहेंगे। इत्थों हरियाणे का या दिल्ली का एक ही नारा सी जे साडे कोल जमीना नहीं तो लेकिन साडे कोल जमीर जरूर हैगा आ, चाहे कोई भी आ, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, कोई भी आ, साडे इत्थे भाईचारा प्रेम प्यार शुरू तो ही प्यार रहा है। ना ही इत्थे कभी जातिवाद होया ना ही होएगा कभी भी। जो भी किया है सरकार ने किया है। जो ये घटना वापरी है घटना सीएम खट्टर की इत्थे कोई मीटिंग सी जिहड़ी स्टेट लैवल की मीटिंग सी, उन्हें मीटिंग की तो एक दिन पहला का ही मैसेज सानू पता लगा तो असी इस चीज़ का मैसेज साडे जिहड़े आगू साहिबान ने उन्हां दा मोर्चा संयुक्त मोर्चा का ऐलान सीगा कि बीजेपी वालियां दी किते भी कोई रैली नहीं होण देंदी जिन्ना चिर काले कानून रद्द नहीं हो जाते, क्योंकि हुण तक 650 उत्ते जो ने साडे किसान वीर ने शहादत पा चुके हैं। पर लेकिन जो खट्टर सरकार है वो किते ना किते तशद्दद करदी फिर दोबारा तो नज़र आउंदी है। तो परसों का दिन एवें का भी सीगा कि जदों जलिया वाले बाग का उद्घाटन कर रहा सी PM मोदी, उधरों पंजाब के विच भी लाठीचार्ज होया उधरों, तो उदा मेरा सोचण दी थिंकिंग है कि जो जनरल डायर ने किया सी एडवायर ने किया सी वही कुछ मोदी ने अपना आप कर विखाया। जो उस दिन जरूरत भी नहीं सी हैगी, ये जरूरत ही नहीं। असी इत्थे पहुँचे हाँ बस्ताड़ा टोल टैक्स ते गुरुद्वारा साहब पहुँचने की कोशिश की लेकिन इन्हां पूरा करनाल बैरीकेटिंग करके सारा गुरुद्वारा साहब सील कर दिता। तो किते ना किते बाबा सुखा जी ने उन्होंने ये कहा है कि तुसी गुरुद्वारा साहब की अगर तुसी गेट सील करोगे तो सिख भाईचारे में बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचेगी। गुरु घर के सारी संगत आउंदियां लंगर छकते हैं, हर भाईचारे के लोग लंगर छकते हैं, लेकिन उन्होंने गेट तो नहीं ब्लॉक किया लेकिन बाहर दियां जिहड़ियां सड़कां सन सारियां ब्लॉक कर दित्तियां। उस तो बाद मैं सवेरे 7 बजे सैकल लैके निकलिया वां लेकिन उन्होंने 2-3 थावां ते मैनूं मना कीता आ। मैं कहा जी मैं मेरा अधिकार है, मैं भारत का वासी हाँ, देश साडा है, साडे गुरुआं ने मतलब कि शहादत दी है, देश साडा है, तुसीं सानूं रोकण वाले नहीं गए। एक संविधानिक वो हैगा एक लोकतंत्र की तुसीं हत्या कर रहे हो, आम लोगों को परेशान कर रहे हो, लेकिन उन्होंने मैनूं कितें नहीं चलण दिता। 9 बजे आपां बस्ताड़ा टोल टैक्स ते सारे पहुँचे हाँ, सारिआं नूं मैसेज मेरा बस्ताड़ा टोल टैक्स ते पहुँचो। उत्थे पहुँचण तो बाद साड़ी जो मीटिंग हुई है जोड़ा DM हैगा SDM साहब ने तो जी IG मैडम है वो भी आए ने, जोड़े SPDC ने उन्होंने जो भी गलबात हुई है उत्थे आए ने। उन्होंने कहा जी असी कहा जी असी करनाल जावांगे, उन्होंने कहा तुसी करनाल नहीं जाओगे, असी कहा जी करनाल जावांगे। चलो असी उन्होंने गल मन्नी, उन्होंने कहा करनाल नहीं जाओगे, असी उत्थे ही बह गए। उन्होंने सानूं उत्थे ही बिठा के 10 मिनट के अंदर सानूं 5 मिनट असी बैठे हुए हैं, 5 मिनट मुश्किल नाल बैठे हाँ क्योंकि असी घट गिनती सीगे। 5 मिनट के बाद जो भी CRPF वाले ने या ब्लैक कमांडो ने जो भी वो पहुँचे ने, उन्होंने बैठे बजुर्गों के उत्ते लाठीचार्ज करना शुरू कर दिता है। साडे वीर सन जो भरा सन बजुर्ग सन वो बैठे सीगे हथ जोड़ रहे ने भी तुसीं सानूं प्यार नाल बिठाया क्योंकि साडे हथ च तो कोई शै भी नहीं सी, कोई खुदा वाली भी चीज़ विखा दो। जिथे इन्होंने हवाई फायर भी राउंड किए ने, किसानों दीयां गड्डियां भी तोड़ियां गईयां, अख नक कोई मतलब कि जगह छड्डी नहीं, गुप्त अंगां ते भी वार कीते ने, ठीक है जी। तो उस चीज़ का मैं इस चीज़ तो असी विरोध करने, चाहे सानू जिन्नियां भी सट्टां लग जाए पर जो साडे बजुर्ग या जो साडे इस जो हमन चल रहा है 9 महीनों तो जिन्हें भी किसानों ने इत्थे 600 किसानों ने आहुति दी है वह आहुति इदा नहीं जाओगे। की कुछ होया तशद्दद वो जरूर एक बार दस्सिओ, बाकी गल्लां आपां फिर अगे करदे हां। एक्चुअली मेरे तो तशद्दद ना होया, एक बजुर्ग नूं लाठी डंडे मार रहे सी, इन्हां ने सानू खिंचण दी कोशिश कीती, असीं आखिया सानू खिंच के जिप्सियां सुट के लै जाणगे क्योंकि उन्हां दा जोर है, उन्हां दी सरकार है, लेकिन साडा जोर नहीं गा हैगा। पर उन्होंने की किया, उन्होंने जतिंदर सिंह हैगा आ जिहड़ा इत्थों का रहन वाला है, खैरी पिंड का रहन वाला है, जिन्हों का आप जी जिन्हों की कवरेज कर रहे समय वेख रहा सीगा। दूजा हैगा जतिंदर सिंह 32 सेक्टर हरजिंदर सिंह, हाँ जी हरजिंदर सिंह, जतिंदर सिंह ढिल्लों हैगा आ, हरजिंदर सिंह ढिल्लों ने आ जिहड़े खैरा, हरजिंदर खैरा की गल कर रहे हो या जतिंदर ढिल्लों की गल? जतिंदर खैरा आ तो जतिंदर ढिल्लों है, यही गल कही है उन्होंने। मैं क्या तुसीं सिख नहीं हैगे, तुसीं सरदार नहीं, तुसीं मेरे ककारां दी बेअदबी करदे हो। दूजे भलक मैं थाणे में गया वहाँ, कोई किसी पंचायत का मसला सी, लेकिन उन्हें कहा कि शस्त्र हथियार वाला बंदा बाहर नहीं, उन्हें शस्त्र नहीं किया, उन्हें हथियार किया, मैनू हथियार का नाम लैके मैनू उन्हें बाहर कढ़ दिता। चलो जी मैं आके बाहर बैठ गया। उस तो बाद रेंजराजी करते रहे। COVID-19 दे विच करनाल दे विच एक गरीब रेहड़ी वाला सी जिहदे पिछे वो भज रहे सन क्योंकि सब्जी बेचना अलाउ नहीं कर रहे सन, तो मैं उन्होंने रोकया। उन्होंने सब्जी ली तो उन्होंने पैसे नहीं दिए। मैं उस रेहड़ी वाले ने पूछा वीरे की होया, कहते जी इन्होंने मेरे से सब्जी ले ली है और मुझे इन्होंने पैसे नहीं दिए। तो मैं इन्होंने रोकया, मैं इन्होंने रोकया, मैं क्या भाजी ये कोई बंदियां वाला काम नहीं, तुसी 70,000 रुपये तनखा लेंदे हो लेकिन वो 100 रुपये सब्जी तुसी पैसे नहीं दे रहे, करोना महामारी चल रही है। उस रंजिश के चलद्या इन्होंने मेरे उत्ते आवार किया तो आ मैनू सट्टा मारे क्योंकि मेरे सिर ते दमाला साहब सी, दमाला साहब के उत्ते मैनू कोई सट्ट नहीं वजी, कोई डंडा नहीं वजा, आ पैर रखिया, आ डंडा मारिया, आ पैर रखिया इतने मेरे धोन उत्ते। अख की नज़र बारे भी दस्यो, नक्क बारे भी दस्यो। ये अख की जी नज़र है वो बिल्कुल जी मैनू फिक्र तो नहीं है कि मेरी नज़र आवे या ना आए, बहुत से लोग जाना गवा चुके ने अपनिया, लेकिन आए या ना आए मैनू कोई फर्क, पर मेरी इस अख तो बिल्कुल भी 1% क्या ना मैं कुछ भी नज़र नहीं आता, मैनू बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा इस अख तो। ये डंडा वजन तो बाद अख गई है। हाँ जी, डंडा वजन तो बाद अख गई है। बस इदा लगता है कि कोई आके वाइट बैठा, वाइट नज़र आता, सिर्फ सफेद चिट्टे रंग की चीज़ कोई नज़र आती है, होर कुछ भी इस तो अलावा नज़र नहीं आता। लाशा किवें पईयां अखां दे उपर, मैं कैमरामैन नूं कहूँ क्लोज करके भी दिखा दिओ, ये लाशा किदां पईयां। उस डंडे दे ही वार सी ना, ये टांके भी लगे हुए ने। घुमायो उस बन्ने, अख दिखाओ इस बन्ने, अख दे विच भी डेले दे उपर। मनप्रीत जरूर दिखाओ, थोड़ा अख उपर करके गुरजंट दिखाओ तुसीं, और देख सकते हो तुसीं इस तरह का तशद्दद जिस तरह वड्डे इल्ज़ाम गुरजंट हुणा वालों लाए जा रहे हैं, कोशिश असीं जतिंदर ढिल्लों हुणा नाल भी करांगे कि इस तरह का तशद्दद क्यों ढाया गया इन्हां नौजवानों के उपर। होर कित्थे कित्थे सट्टां वज्जियां गुरजंट, किहड़ी किहड़ी थां ते होर कित्थे कित्थे सट्टां वज्जियां ने गुरजंट सिंह देख सकते हो। और गुरजंट एक चीज़ होर देखोगे तुसीं, गुरजंट दे हथ ते बांह ते जिहड़ा तिरंगे दा और देश दा झंडा तिरंगा छपाया होया इन्हां ने, और लिखिया प्रणाम शहीदां नूं, ते इस दे नाल ही किसानां दी फोटो आ, जवानां दी फोटो नज़र आ रही है, तिरंगे दी फोटो नज़र आ रही है। देश भगती साबत करते हैं जिहड़े लोग गल्लां करते हैं, वो जरूर तस्वीर देख लैन कि इस तो वड्डी देश भगती की हो सकती है। और साफ तौर पर ये लाशा किवें पईयां गुरजंट, ये भी लाठीचार्ज होया जो डंडे वजे, ये लाशा पईयां मोढे ते। हाँ जी, ये जो डंडे मारे से नाम लै लैके, फिर माड़ी शब्दावली भैणा दियाँ गालां कढ़ रहे सीगे। ये जिहड़ा जतिंदर खैरा हरजिंदर खैरा है वही नाम लै रहा सी, गुरजंट जा रहा, गुरजंट जा रहा है, मतलब कि भैणा दियाँ गालां कढ़ रहा, मावां दियां गालां कढ़ रहा इदां दी, मतलब कि वो जा रहा है, क्योंकि मैनूं जिप्सी दे उत्ते सट लिया सी पुट्ठा, तो फिर मैं उत्थों इन्हां तो छड्ड के लंगर वाल नूं भज्जिया वां, तो लंगर वाले भी फिर इन्हां मेरे पिछा किया, फिर उत्थे एक बजुर्ग माता सी उन्हां ने मैनूं फड़िया आ, तो उस तो बाद ये लत्तां ते भी उत्थे सट के या मारदे रहे ने इस तरह सारे या सारे। फिर अवक्खी दे विच, टेड दे विच आ जिहड़ियां थां ने, आ जिहड़ियां थां ने इत्थे हुज्जां मारियां ने इन्हां ने, मतलब कि जिवें डंडे नूं इस तरह मारदे आ, इस तरह करके हुज्जां मारदे रहे, कंड 'च भी इस तरह हुज्जां मारो, वीडियो दे विच हैगा ने कि किवें पिछों हुज्जां मारदे पए ने। मैनूं कहंदे सी भज, मैं कहा मैं भज्जणा नहीं हैगा, इन्हां धक्का क्यों, बस स्टार वधाने सीगे, अपनी पोस्टिंग वधाने सी, मैं DSP बन जा या मैं SSP बन जा, क्योंकि खट्टर सरकार का वड्डा हाथ है। हॉस्पिटल के विच उदों बाद तशद्दद होई, सिविल हॉस्पिटल है नाल वाला, जदों मैनूं लिआंदा गया बिना सुन किते ही मैनूं इत्थे टांके लाए गए ने, आ मैं विखा देना आपनूं, बिना सुन किते कैंची दे नाल मेरा मास, जदों डंडा वज्जिया मास लटक गया सीगा, ते बिना उत्तों सुन किते ही कट दिता गया मास। दस्सिया कि नक्क भी पूरा बिंगा हो गया। हाँ नहीं, आ जगह जिहड़ी है ना, आ बिंगी हैगी उत्तले, आ जी सेंटर वाली जगह हैगी आ इस तरह टेढ़ी हैगी है, तो मतलब कि इन्ना तशद्दद किया, पता नहीं कि सानू की मैनू नहीं पता, मैं आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि वो की सानू समझते हैं कि असी कोई वो नहीं है भी कितने बाहर तो आए हैं, कोई भारत साडा देश सी, ये साडा देश रहेगा, जिंदाबाद सी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद है, किसानी साडी जिंदाबाद है, अखीरले दम तक ही लड़ते रहेंगे। शहीद आजम भगत सिंह ने शहादत दे दी सी, लेकिन देश आज़ाद हो के ही रहा सीगा, उन्हां दे कौड़े अज भी सानू याद ने, आपां नूं याद आउंदी है, छोटे साहिबजादे की याद आती है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने याद आते सी, उन्होंने कहा सी ढेंदे देश का नहीं सी सहारा, जदों पिता देश उत्तों दिल्ली विच वारिया, मैं माता सरहंद विच गुजरी, समा कहिंदा जिवें गुजरिया उवें गुजारिया, मैं चार पुत बख्शे सी सच्चे पातशाह ने, वह भी जोड़ा जोड़ा करके वारिया, मैं ना को सैन देशवासी हो शहनशाह, मैनू किस्तां विच ही तां कर्ज उतारिया, मैं असी भी चले जाएंगे कोई फर्क नहीं है, तो दुनियादारी आया आना जाना बनया, साढ़े तो बाद कोई होर आ जाएगा। गल्लां बहुत वड्डियां करदे हो, क्योंकि नहीं तो इत्थे तां बंदे दा पुलिस नाल वाह पै जांदा, तां बंदे नूं चिंता हो जांदी भी केस किदां निपटाणे आ, फिकर नहीं होया, डर नहीं लग्या? नहीं जी बिल्कुल भी है, हुण भी 1% भी कोई नहीं हैगा, कल भी मैनू इत्थों जान नहीं दिता जा रहा सीगा, जिहड़ी मेरी खबरां विखा रहे ने कि पंचायत दे विच गया है ठीक है फलाना, नहीं मैं धक्के नाल गया आ, बिल्कुल धक्के नाल गया, मैं धक्के नाल इत्थों गया वां, बिल्कुल भावें मैं ठीक होवां चाहे मेरी, मैनू फिक्र नहीं हैगा कि मेरी अख की लाइट आए या ना आए, मैनू एक अख तो दिसदा आ, ठीक है जी, एक अख तो दिसदा आ, मैं फुल लड़ांगा। उदां ही चिंता होई नहीं, माता मेरी बड़ी दलेर आ, माता मेरे नाल आ, मेरे हमेशा फादर साहब है, भरा ने, कोई दिक्कत कोई नहीं। परिवार च गुरजंट परिवार च 2 ब्रदर ने, सिस्टर ने, वो मैरिड ने, तो मम्मी डैडी ने। हाँ जी हाँ जी चढ़ती कला वाले पूरा हौसला दिता माता उन्होंने। हाँ जी पूरा माता ने ही फर्स्ट दिन भेजा सी अंदोलन दे विच कंटिन्यू 6 महीने जिहड़े आ बॉर्डर ते ही टिके रहे हैं। उस तो बाद जदों कैमला की लड़ाई हुई आ उदों बस घर आए फिर आउण जाणी बनिया रहा। हाँ जी गुरजंट मैनू एक गल दसो किया जाता है कि खास करके तोमतां लाइया जा रही ने वख-वख लोगों वालों कदे सिखां दा अंदोलन बनाने की कोशिश हुंदी है कदे कुछ पर की समझा जाए। इत्थे तां जाट भी नाल खड़े सी कल सारियां बरादरियां हरियाणे दे विच नाल खड़ियां सी और साफ तौर ते जिहड़े लोकां नूं कहा जांदा किसानां दे ही पुत्त होणे आ जिन्हां ने लाठीचार्ज कीता अपने आप नूं तां किसानां दे पुत्त कहिंदे आ। इन्नी टेंशन क्यों थोड़ी बहुती लाज रखनी चाहिए सी उन्होंने कि सामने कौन बंदे ने कौन लोग ने अपने लोग ने ये गल सोचनी चाहिए सी उन्होंने। एक्चुअली उन्होंने इंसानियत मर चुकी सी। मैं अपने आप को इंसानियत का समझदा अगर मेरे अंदर कोई इंसानियत हैगी तो मेरी जात हैगी आ। अगर मेरी इंसानियत हैगी गुरु साहब ने कहा सी कि इंसानियत हैगी तो कोई जात हैगी है। जे सिख भी मैं तां जे मेरे अंदर इंसानियत है जे मेरे अंदर इंसानियत नहीं तो मैं सिख भी नहीं हैगा फिर मैं जाट भी नहीं हैगा। सब तो पहला इंसानियत नूं लै के चलो इंसानियत हैगी साडी जात है। उन्होंने जमीर मर चुकी सी क्योंकि उन्होंने अपनी 70,000 की या 50,000 की नौकरी उत्ते माण है भी वो पता नहीं की चीज़ है। तो इहो जिहियां नौकरियां सानू वो नहीं बिल्कुल भी वो नहीं गया। मैं कहना कि अगर मेरे परिवार चो कोई इस डिपार्टमेंट च हुंदा ना तो मैं अस्तीफा दवा देना सी कि बिल्कुल भी असी नौकरी नहीं करांगे यो जी सरकार दी। हरजिंदर खैरा हुणां दे परिवार नाल गलबात होई उन्होंने स्पष्टीकरण ज दिता एक वो कहंदे ने कि किसानों के नाल साडा परिवार पर कहिंदे कि उत्थे तां ओह किसान नहीं उत्थे जवान सीगा इस करके टकरा होया इस करके उन्हें जो किया ठीक किया। उन्हां दा परिवार हरजिंदर खैरा दा इंस्पैक्टर दा परिवार ये गल कह रहा। हरजिंदर खैरा दा परिवार ये गल कहंदा है ना कि साडा जवान सीगा टकरा होया जिन्हें टकरा करना चीन के बार्डर ते चला जाए। चीन के बार्डर गलवान की घाटी तुहानूं याद होनी है। गुरतेज सिंह खालसा ने गुरतेज सिंह वीर सी जो फौजी वीर सी 12 जवान उन्हें जिहड़े चीन के सन उन्हें 12 जने मारे सन। जो उन्होंने शौक है ना इन्ना डांग चलाण दा या इन्ना शौक हैगा या लड़ाइयाँ लड़ना गुलवान की घाटी से चला जाए तो वह जो पारा घर की फैमिली थे उन्होंने अपना बैकग्राउंड चैक करन साडा भी चैक करन कि तुहाडा बैकग्राउंड की सी। करनाल के अंदर की तांडव मचाया होया है। तो करनाल के अंदर लोगों सीए स्टाफ के कुट खवा के लोगों का मार के लोगों का चमड़ा उखाड़ के तू पैसा लै जिन्ना मर्जी लै लैन। मैं तो मूँह तो कहना लोग तो डर देणगे मैं तो डरदा नहीं। मैं तो स्पष्ट कहना जेड़ा जुल्म करेगा चाहे वह सिख हो चाहे वो खिलाफ बिल्कुल जी सिख कौम है वो जरूर बोलेगी चाहे कोई कम्यूनिटी बोले। गंभीर एलीगेशन ला रहे हो तुसीं किते कहण की सबूत ने तुहाडे कोल? बिल्कुल लावांगे जी बिल्कुल असीं जिउंदे जांदे सबूत हैगे आ। जिहदा जमीर मर चुका जिन्हें सानू ये नहीं समझिया हैगा कि साडी भैण नूं अपनी भैण नहीं समझिया सी उन्होंने अपनी भैण समझ। जदों मेरी पग दे उत्ते दमाले दे उत्ते डंडा मार रहा मैं उन्होंने इन्नी गल कह रहा कि तू मेरी पग दे उत्ते डंडा मार रहा जे मेरी पग लै गई तो तुहाडी भी तो हानि हैगी है ना। तो जे मैं तेरे उठ के हत्थी पै जा तू मेरे नाल डाढा नहीं हैगा। जे मैं तेरे उत्ते हत्थी पै जावां तो जे तेरी पग लै जाए तो मैनू शर्म आएगी। मैनू कहणगे ओह सरदार ने सरदार दी पग लाई ती आप ते दमालिया बनी फिरदा इहदी पग लाई ती तू किधर दा सरदार है। तो उन्होंने शर्म नहीं आई सी। मैं हथ नहीं चक्या हैगा। अज भी चैलेंज करना वा खलो के मैं खलोवगा धौन तो जिथे मर्जी भावें 10 डांगा मार लै जे 5 फिर मेरिया भी आ लग गई तो मैनू जां सिख आखदा जां उन्होंने आखदा जी। ये चैलेंज करदा ऑन रिकॉर्ड ठीक है जी। तो जी देश भगती है ना जी लड़ाई की गल करता जिधर मैं तो जान भलेवे एक नॉर्मल गल करता मेरा तो खंडा साहब मेरे को मैं तो घर छड्ड गया एक भी वार नहीं सी इन्हां ने करना एक भी वार चाहे मेरा कख रहिंदा या ना रहिंदा एक भी वार नहीं सी करन देना। मैं इन्हों मैं तो उन्होंने बजुर्गों के उत्ते डिग्या सी जिन्हों के सारे उन्होंने टांके लगे हुए हैं। बजुर्गों पर लाठीचार्ज किया उन्होंने उपर उन्होंने कवर देने वास्ते डिग पे सी भी उन्होंने बजुर्गों पर डांगा ना पैण। लत्तां खिंचदे सीगे मैं उन्होंने लत्तां फड़ियां होईयां सी मैं उन्होंने उत्ते मुद्दा हो गया वां ते मुद्दे होए ते मेरे आ मारी है इधरों मारी है पिछों दी मेरे ते मेरे आ वजी क्योंकि सिर ते मेरा दमाला वड्डा सीगा सिर ते नहीं वजी मैनूं सट। मैं भी झूठ मारा जिहड़ी गल सच्ची है सच्ची है क्योंकि रब नूं जाण देनी है पता नहीं मौत दा कदों आ जाणी कदों पर सानूं किस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। किसानी अंदोलन इस तरह ही जिंदाबाद रहेगा ठीक है ना। लेकिन हुण अज तो बाद याद रखन कि CM खट्टर कदी नहीं वड़ जाएगा इत्थे। धन्नवाद। सो एक गुरजंट सिंह ने बहुत चढ़ती कला वाली गल्लां कर रहे हैं। गुरजंट हौसला बाकमाल है गुरजंट होना का। गुरजंट कहिंदे कि जदों बजुर्गों पर लाठीचार्ज किया तशद्दद कर रही सी हरियाणा पुलिस उदों ये उन्होंने कवर देने वास्ते उन्होंने उपर पै गए सी और उस तो बाद कितना ब्रूटली लाठीचार्ज किया हरियाणा पुलिस ने। वो सब ने देखा पूरी दुनिया ने देखा लाणतां पा रहे हैं हरियाणा पुलिस नूं हरियाणा सरकार नूं लोग। और उसी तरह हरजिंदर खैरा होना के परिवार ने स्पष्टीकरण दिता तो इन्हों का कहना है कि जतिंदर ढिल्लों जो पुलिस अधिकारी सी उन्हें लाठीचार्ज किया ना तो डांगा मारिया जो एलीगेशन गुरजंट ने तुसीं सुने पर चढ़ती कला वाली गल्लां कर रहे हैं। गुरजंट हुणी कहिंदे कि किसान अंदोलन जिंदाबाद सी जिंदाबाद रहेगा और इसे तरह ही किसान अंदोलन दे विच हिस्सेदारी पाउंदे रहणगे। कैमरा परसन मनप्रीत दे नाल विक्रम सिंह, प्रो पंजाब TV, करनाल।